हेडलाइट के ऊपर भी। और थैंक्स बड़ी। இது எங்க கோட்டை உள்ள வந்தா வேட்டை ஒரு விசில் ஒண்ணு அடிச்சாக்கா கிளம்பும் பேட்டை இங்க பண்ணும் பெரிய சேட்டை எங்க பெருசுங்க வந்தாக்கா மாத்து ரூட்டை நிக்கல் நிக்கல் சல்தே ரே நிக்கல் நிக்கல் राज मेरा राजधानी मेरी दुविधा के समय तेरा बाप भी मैं लेकिन जब पैसा रिटर्न करने का टाइम आया तू तो सौतेला बेटा बन गया भाई आप कभी दुबई कभी रशिया तो भाई फिर मैं कैसे देता आप मैं दुबई रशिया लेकिन जब तुलसी तुझे ढूंढने आया तू तो मिस्टर इंडिया बन गया भाई मैं तुलसी भाई को पैसे दे ही देता पर वो हाल फिलहाल में थोड़ी शॉपिंग हो गई खरीदारी अच्छी है ना भाई घर एक बात बता तूने मेरे से पैसे लिए उन पैसों से सामान लिया तो सामान किसका भाई आपका नहीं भाई नहीं कर ले गाना बजा भाई कॉपीराइट आ जाएगा फिर से ए भाई ने बोला गाना बजा तो गाना बजा खाना दूर मिले सोग मिले बार मिले सोग मिले बार मिले सोग मिले बार मिले मैडम वहाँ की थोड़ी सड़कें खराब है तो ज्यादा ही खराब है एक काम करो मैडम रुको अभी बिजी हूँ मैडम वो वापस आ गया और फिर वो मेरी गाड़ी लेके चले गए कौन है नारायण आपको नहीं पता नारायण मुंबई में इतने साल राज करने वाला और मारी का बहुत बड़ा फैन वो उनका खास पंडर करेला पूरी दुनिया में बिजनेस करके वापस आए इधर धंधा करने वैसे तो नारायण भाई दिल के बहुत अच्छे हैं लेकिन कोई कोई चीज उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं भाई वो तो सब भाग गया कोई बात नहीं भाई थोड़े पैसे लेकर भाग गया जरूरत होगी धंधा तोड़ के टिकटॉक पे वीडियो बना रहा भाई और इसी बीच उनकी एक लड़की से गुफ्तगू भी हुई थी अनुरागम पगरुम नयामम अड़गे बट वे शेर दिया और बोले ये मेरा गुड लक है तुम्हारा ध्यान रखेगा और अगर किस्मत ने चाहा तो इसे लेने वापस आऊंगा तब तुम्हारा ध्यान मैं रखूंगा और रशिया चले गए आया फिर शेर लेने अभी तक नहीं वापस आए सीधा वसूली पे लग गए एक काम करो मेरी मीटिंग फिक्स कराओ उसके साथ ओके मैडम अपने घर में इतनी वेट करा रहा है अरे वो आ गए भाई वो मैम आ नमस्ते नारायण आप मेरे को नहीं जानते लेकिन मैं यामिनी ओबरॉय अहिंसा धर्म पार्टी की घाटकोपर से टिकट मिली है मुझे उनकी सबसे आशावान उम्मीदवार ओह कांग्रेचुलेशन मुझे आपकी शुभकामनाओं की जरूरत नहीं है नारायण जी आपके यहाँ से जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया है पहले जैसा लोकल गुंडा राज नहीं रहा और आई होप आप भी इसे फॉलो करेंगे और यहाँ कोई इलीगल काम नहीं होगा एटलीस्ट मेरी परमिशन के बगैर ज्यादा कुछ इलीगल नहीं है हफ्ते में थोड़ी वसूली होगी थोड़ा सोने का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस होगा और बाकी जो इलीगल काम है उसकी परमिशन मैं खुद अपने आप से ले लूंगा क्योंकि आप तो जीतने वाला भी आप उनको सलाम करते हुए जाता है आप तो सिर्फ उम्मीदवार हो शायद आपको नहीं पता अरे ले लगता है मैडम की चाय में चीनी थोड़ी कम है एक चम्मच और डाल दे मैम मेरी गाड़ी के बारे में तो अबे ओए दनिया का है क्यों बे गिरफ्तार करना है उसे अबे करेले आज तेरी शक्ल बिल्कुल करेले जैसी क्यों दिख रही है धनिया साला वो नया कमिश्नर मेरी बात नहीं सुन रहा है महीनों में मुझसे टकराने की गलती मत कीजिएगा वरना एक हफ्ते में वापस दुबई भागना पड़ेगा
और बेटर होगा कि कोई इलीगल काम तो दूर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने से पहले भी आप मेरी परमिशन लें हाँ सिंस आपको शेर इतने पसंद है एक मैं भी सुनाऊं क्या इरशाद जंगल का राजा आप एक शेर नहीं एक शेरनी बनेगी फिकर मत कीजिए छुड़वाती हूँ धनी इरशाद सॉरी भाई भाई लगता है अपनी पावर उतनी नहीं रही अबे कह रहे ले सूरज को उगने के लिए उसका डूबना जरूरी होता है ज्यादा सोच मत गाड़ी निकलवा हम हर मोहल्ले में टॉयलेट्स बनवाएंगे सड़कें नहीं बनवाएंगे जो काम पिछले 20 सालों से नहीं हुआ वो एक महीने में मैं करूंगी हेलो एवरीवन ये क्या कर रहा है मैं सही बोल रहा हूं फिकर मत करिए मैडम आप ही को सपोर्ट करने के लिए आओ बाइक देंगी नमस्ते भाई लोग आप उनके एरिया में सबसे ज्यादा वोट मैडम को आने चाहिए पता है क्यों क्योंकि मैडम जीतने के बाद यहीं पे स्विमिंग पूल बनाएंगी सिर्फ इतना ही नहीं मैडम टॉयलेट तो बनवाएंगी लेकिन वो एसी वाले टॉयलेट होंगे और सबसे जरूरी चीज जिसके बिना हम जी नहीं सकते पूरे मोहल्ले में फ्री वाईफाई तो देखेगा ना सब्सक्राइब जरूर करना तो अपना वोट जाता है इनको अगर ये मांगे पूरी हुई तो आप लोग दोगे इन्हें वोट और अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो मेरा परमिशन है इनके पार्टी को कोई वोट मत देना मैं तो कहता हूँ इनको एरिया में भी घुसने मत देना क्योंकि उसके बाद मैं खड़ा हूँ इलेक्शन में अपनी जनता के लिए अब आप संभल के तो जैसा कि मैंने पहले कहा था टॉयलेट्स तो हम बनवाएंगे नहीं सर मैंने ये सब वादे नहीं किए अच्छा आप मुझे एक दिन दीजिए मैं ठीक करती हूँ ये मैं तो सपोर्ट करने के लिए आया था क्यों कर रहे हैं दिस इज नॉट अ जोक नाउ मेरी टिकट जा सकती है तुम्हारे इस भद्दे मजाक की वजह से भाई तो हरी बड़े मजाक किया नारायण इस इलेक्शन से ज्यादा पर्सनल और इम्पोर्टेंट मेरे लिए और कुछ भी नहीं है लेकिन ये तुम्हें तब समझ में आएगा जब बात तुम पे पर्सनली आए भाई तो पर्सनल रहते नहीं ओपन बुक की तरह है कुछ तो पर्सनल होगा ये तुम्हारे पास कैसे नारायण जी ब्यास का धंधा सिर्फ आप नहीं करते उसके पापा है ना हमारे भी कर्जदार हैं और आपको तो पता ही है वसूली कैसे की जाती है मैडम बात कीजिए प्रिया तुम्हारे पापा हरिद्वार से नहीं आए मैडम आई एम सो सॉरी आप बस मुझे सिर्फ दो दिन दीजिए जैसे लीजिए आपके नारायण जी की सीक्रेट डायरी के पेज भी पढ़ डाले मैडम आप जानते हैं चुप कर बहुत सुन लेते हैं बकवास नारायण ये सिर्फ ट्रेलर का लास्ट वार्निंग दे रही हूँ आगे से ऐसी हरकत की ना तो पिया पिया ओ पिया पिया തെളിമാനം അഴുവിൽ നിറമണിയും നേരം നിറമാർന്നൊരു കനവിന്നിൽ തെളിയുന്ന പോലെ പുഴയൂ ഗാനവൻകർ करेले इसके सिक्योरिटी के काम में अपने बच्चों को लगा दे लेकिन भाई अपनी सिक्योरिटी का क्या मैडम ने सोने के धंधे पर भी रेड पड़वा दी लगता है गेम कुछ ज्यादा ही खींचती जा रही है इसे खत्म करना पड़ेगा चटनी गाड़ी निकाल सर आपने बुलाया ये क्या कर दिया तुमने हाँ सर वो भाषण में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई भाषण ये सोने के धंधे पर रेड क्यों पड़वा तुमने सर वो तो नारायण का था ना अरे सिर्फ नारायण का नहीं था मैं भी उसमें पार्टनर था सर तो ये इलेक्शन का पैसा कहाँ से आता है ये पीछे जो मुस्टंडे खड़े रहते हैं इनका पैसा कितना खर्चा होता है कुछ पता है तुम्हें सर मुझे नहीं पता कि आप धनिया जी को जेल में क्यों डाल दिया पार्टी के लोगों की कितनी मदद की थी उन्होंने तुमने सब खत्म कर दिया सब खत्म सर क्या मतलब ऊपर से ऑर्डर आया हमें टिकट किसी और को देने पड़ेंगे सर आप ऐसा कैसे कर सकते हो मैंने कुछ मत चिल्लाओ पार्टी के मुखिया से बात करो और किसको दे रही है पार्टी टिकट
जनता जिसे तुमसे और मुझसे कहीं ज्यादा सपोर्ट और प्यार करती है, और वो है अबे धनिये कोड़ा। बात समझ नहीं आई, बचपन में खरगोश और कछुए की रेस के बारे में सब बताते हैं, लेकिन कोई ये क्यों नहीं बताता कि रेस के बाद शेर उन दोनों को खा जाता है। जाके पार्टी के मुखिया को वो वाली रिपोर्ट भेजो। आज से तुम 30% के पार्टनर हो, इसके सारे कर्जे माफ होने चाहिए। नॉट बॉय माय गुड बॉय। ये भाई किसकी है भाई? एक बार एक डाकू ने अपनी गन पे मंगलसूत्र चढ़ाया, फिर लोग उसे पूजने लग गए। बताओ क्यों? क्यों? क्योंकि भाई वो गन गणपति बन गया। जोक जोक मार रहे सर। जोक भाई। ओ मैडम फिर से आई है। कैसे हो मैडम? ठीक हूँ। मैं ना एक्चुअली सॉरी बोलने आई थी, शायद मैं इसको गलत लेवल पे ले गई। कोई बात नहीं, करे ले। मैडम को चाय पूछना है। एक्चुअली कुछ और भी बोलना है। मैं ना हम दोनों को एक साथ इमेजिन कर रही थी, आई मीन काम में। सोचो अगर हम दोनों मिल गए तो आपकी पहचान और पावर और मेरी इंटेलिजेंस एंड शार्पनेस, हम दोनों की जोड़ी बिल्कुल हिट होगी। पूरे शहर पे तो राज करेंगे ही, और तो और पूरे देश में भी। आपको सिर्फ हाँ करनी है और मुझे इस इलेक्शन में अपना पार्टनर बनाना है। सर बिल्लियों के साथ शिकार नहीं करता, वो क्या ना थोड़ी रेपुटेशन अफेक्ट होती है। अपन अकेला ठीक है, वो ना ही भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं। पार्टी ने टिकट वापस ले ली। अपन इन सब चक्करों में फंसता ही नहीं। वो क्या है ना, टिकट का हीरो कोई और ही है। ओए जरा निकालना सामान। थोड़ा इधर आना। जोड़ी तो हिट लग रही है, करे ले बना ले पार्टनर। क्यों नहीं भाई? हाँ तो फिर से निकालना सामान। अब तो पार्टी से भी अप्रूवल आ गया है। करेला जी शेक हैंड्स विद योर पार्टनर। देख के रहो, पार्टी से ऑर्डर आया है, प्रचार करने निकलो। गो। मैडम गाड़ी कौन चलाएगा? ये पार्टी ना मचा मरी, पूजा नो मेरा मरी, भाई उठा दौलत मरी, भाई को वड़ तू मचा मरी, बिना चाहे चा मरी, वेट्टू उड़ी हो अंदा मरी, रौडी नो मेरा मरी, जैसे मचा नल्ला मरी, अंदा मरी, अंदा मरी, अंदा मरी, भैया जी आपके साथ नाचते ना बहुत मजा आया। अरे हमें भी। अच्छा भाई मैं निकलता, मेरे को बस पकड़नी है क्योंकि आपने तो। अरे बस क्यों, मैं लिफ्ट लेता हूँ ना। सच में? हाँ पूरी पिक्चर में इतना थोड़ा है तो पेबैक तो बनता है ना। भाई क्या मतलब? कुछ नहीं कुछ नहीं, करे ले। तीनों गाड़ियों में जो बेस्ट सीट है ना वो इसको देते। चलो भाई। हाँ गाना सुनेगा। சத்தங்க மாறி ஒற்ற சிங்க மாறி மாறி